ओके इस वीडियो में बात करेंगे कि बीएड एंट्रेंस टेस्ट में आपने मिनिमम टाइम मनी एनर्जी लगाकर मैक्सिमम स्कोर कैसे हासिल करना है। देखिए तीन पार्ट हैं, अगर आपने किसी भी लाइफ के एरिया में सक्सेस हासिल करनी है, यहां सिर्फ एग्जाम की बात करेंगे। एग्जाम के तीन पार्ट हैं, एक तो एग्जाम से पहले वो क्या है कि प्रेपरेशन आपकी कितनी है, हो सकता है जीरो हो सकता है लो हो सकता है हाई हो, ठीक, तीन कैटेगरी इनकी बन गई। दूसरा है कि आपने जब तैयारी की है तो इन अकॉर्डिंग विद योर प्रेपरेशन लेवल आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो इस बात पर भी। तीसरी जो फेज है इस पर जनरली हमारे जो अच्छे कैंडिडेट हैं सिर्फ वही ध्यान देते हैं, 99% इसको ध्यान ही नहीं देते। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बीएड एंट्रेंस टेस्ट में आपने अटेम्प्टेशन कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैं स्पेसिफिक रूल्स बताऊंगा, उनको फॉलो करोगे बेशक आपकी जीरो प्रेपरेशन है, जीरो प्रेपरेशन में जितने मार्क्स आपके आ सकते थे इनको अप्लाई करके आप उससे बेटर बन जाओगे, ये मैं कहना चाहता हूं। लो है तो नेचुरली जितने आपके मार्क्स आने थे उनसे ये बेटर आ जाएंगे। अगर आपकी हाई थी ऑलरेडी तो हाई आने थे, लेकिन इन स्ट्रेटजी को अपना के पहले से बेटर हो जाएंगे। जहां भी आप खड़े हो उसको परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए ये वीडियो है। पहले ये देख लें कि हमारे पेपर और उनकी डिवीजन क्या है। मेरे ख्याल में आपको पता है 5 पेपर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ 2 लैंग्वेजेस हैं, तो तीनों के मिलाकर ये क्वेश्चन बन गए आपके 150 क्वेश्चन, और 150 मार्क्स के क्वेश्चन है, और इंग्लिश पंजाबी में पहले तीन सेट होंगे और जो दो लैंग्वेज के लास्ट वाले हैं वो उसी भाषा में होंगे, पंजाबी का हिंदी का हिंदी में, इंग्लिश का इंग्लिश में। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये जान लें, अच्छा अब आपके पास होना क्या है, आपके पास एक तो होगी ओएमआर शीट, इसको फिल करना है, आंसर शीट भी बोल सकते हो इसको। दूसरा आपके पास होगी क्वेश्चन पेपर, ये रहा एक एग्जांपल है, ये पिछला पेपर है पेपर। अब आपने फोकस इंग्लिश पर ज्यादा करना है, अगर कोई एरर होती हो तो पहला पॉइंट के इंग्लिश वाली करेक्ट होती है, लेकिन आपको समझ नहीं आती तो आप इस पर शिफ्ट कर सकते हो। अच्छा कुछ बच्चों का ये तो बात अलग है ना, बहुत लो एवरेज हाई प्रेपरेशन है, आपने तैयारी की है स्टडी की है। दूसरा है कि आपकी अफेक्टिव डोमेन पर भी आपका लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना है, लो एवरेज हाई है। अगर लो है तो नेचुरली है कि वीडियो देखोगे स्ट्रेटजी लर्न करोगे तो बेटर होने की संभावना है। गारंटी मैं किसी बात की नहीं देता, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, अप्लाई करोगे तो कुछ प्राप्त होगा अदरवाइज नहीं। अब आपने स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी नंबर 1 क्या है इसको समझ लें। स्ट्रेटजी नंबर 1 है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए यहां पर 150 यहां पर 150 क्वेश्चन यहां हो रहे हैं सेट, ये 30-30 का सेट है, ठीक ये मान के चल रहे हैं हम। तो क्या करना है आपने कि कोशिश करनी है हर हालत में टाइम से पहले। अब आपके पास कितना टाइम है, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स एंड 150 मिनट्स आपके पास, एक मिनट आपको मिल गया है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब आपने जो बेस्ट रूल क्या है, जनरली जो गलती क्या करते हैं बच्चे वो आपने नहीं करनी, वो क्या है कि टाइम हो जाता है और आप यहां पर अटके रहते हो और टाइम एंड हो जाता है। दैट इज व्हाई फर्स्ट रूल इज कि हर हालत में आपने टाइम से पहले, 150 मिनट है इट मींस टाइम से पहले आपने 150 लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचना है, आपका लॉस क्या होता है ये जान ले। देखिए ये एक्चुअल में असल रिसर्च पर बेस है। सबसे पहले ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन आपके हो गए हैं 150,
लास्ट क्वेश्चन है। अब आपने शुरू किया, ये जो हाइट है ये बता रही है कि ये कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है क्वेश्चन। इसने ज्यादा टाइम कंज्यूम किया, इसने कम, इसने थोड़ा सा ज्यादा, इसने कम, इसने बहुत ज्यादा, इसने बहुत ज्यादा। इट मींस जितना ये बार ग्राफ का ये डंडा जो है लंबा है इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। दूसरी बात, ये बात जरूरी नहीं है कि आपने इतना ज्यादा टाइम लगाकर एक मार्क्स या करेक्ट आंसर दे दिया है। हो सकता है इतना टाइम लगाकर आपके पल्ले जीरो पड़ी हो। दैट इज वाई रूल क्या है कि जो डिफिकल्टी लेवल है, इसको डिफिकल्टी लेवल कह रहे हैं, ये कम डिफिकल्ट है, ये ज्यादा डिफिकल्ट है, इनकी कैटेगरी अभी आपको बताता हूं। तो आपको हर हालत में कम टाइम कंज्यूम कर रहे हैं और आपको श्योर है कि जी ये क्वेश्चन में मैं एक मार्क्स पक्का ले लूंगा, उनको आपने पहले कलेक्ट कर लेना है और लास्ट तक पहुंचना है। अगर आप यहां तक पहुंचे हो, इट मींस कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिन्होंने 20-20 सेकंड लेने थे आपके और आपके मार्क्स आ जाने थे, आप रस्ते में इन रुकावटों में फंसते गए और यहां पर यहां तक लास्ट तक नहीं पहुंच सके। दैट इज वाई फर्स्ट रूल है रीच टू द एंड बिफोर टाइम। तो बिफोर टाइम पहुंचने के डिफरेंट मेथड है, टू मेथड्स यहां मैं डिस्कस करूंगा मैं। अब देखते हैं कि दो अप्रोचेस क्या हैं कि आपने लास्ट एंड वाले 150 जो क्वेश्चन है वहां तक पहुंचना है। पहली अप्रोच है थ्री राउंड अप्रोच, दूसरी अप्रोच है टू फेज या टू राउंड अप्रोच। नेचुरली इसमें सिंपली है कि तीन डिवीजन की हुई है, यहां पर दो डिवीजन की हुई है। डिवीजन किसके अनुसार की हुई है? लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एमसीक्यू। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब कि आप 90-100% श्योर हैं कि ये क्वेश्चन मेरा ठीक होगा। इट मींस ये क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे पहले यह मैंने ग्राफ बनाया और लास्ट में हो सकता है कि इजी क्वेश्चन हो और पहले आप बड़े बड़े क्वेश्चन में फंस गए हो, तो लास्ट वाले क्वेश्चन इजी वाले कहीं हमारे हाथ से ना निकल जाएं। दैट इज वाई ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और आपने टाइमली यहां पर पहुंचना है, रस्ते में नहीं रुकना। रस्ते में कौन रोकता है? वेरी डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको रोकते हैं। ये वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है, आगे चल के मैंने इनको ये नाम भी दिया है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो आपको मैक्सिमम ब्लॉक कर लेते हैं टाइम को। अच्छा, आप एक देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की एक बड़ा लूप होल क्या है, कमी क्या है कि कई क्वेश्चन इतना टाइम लेते हैं लेकिन बाद में आपको जीरो देते हैं, और कई क्वेश्चन इतना टाइम लेते हैं और एक मार्क दे देते हैं। यहां पर कम टाइम लगा के, कम एनर्जी लगा के, कम जो है एफर्ट्स करके आप एक मार्क ले रहे हो, यहां पर ज्यादा एनर्जी और टाइम लगा के आप कुछ नहीं हासिल कर रहे। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपका बहुत ज्यादा लॉस करते हैं। और ये क्वेश्चन कौन से होते हैं? इस एरिया को, ये जो मैं कह रहा हूं, ये एरिया वेरी डिफिकल्ट, ये ब्लॉक करते हैं आपको। एक तो आपका टाइम और एनर्जी खराब करेंगे, जीरो रिजल्ट आएगा, और तीसरा अगर एक नंबर आता भी है तो भी ये आपके लिए यहां सूटेबल नहीं है। ये जब जॉब लेनी है, मेरिट टेस्ट, मेरिट लिस्ट बनी है, आपने टॉप पर जाना है, फिर जो लोग इनको सॉल्व कर लेते हैं वहां स्ट्रेटेजी डिफरेंस होगी। ये है एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जैसे यूजीसी नेट का है, पीटेट का नहीं है, वो फिक्स मार्क्स है आपके, नहीं वैसे वो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने रिकमेंड कर दिया है, सुजेस्ट कर दिया है कि नेक्स्ट आपके मार्क्स भी जॉब के लिए पीटेट, सीटेट, स्टेट टेट के एंटर होंगे। अच्छा, तो ये वेरी डिफिकल्ट जो है यहां पर एंट्रेंस टेस्ट में आपने, आपके ये दुश्मन है ये मान के चलना है और इनको आराम से छोड़ देना है, इन पर एनर्जी नहीं लगानी। ये मैं बात करता हूं कि आपको कैसे पता चले कि वेरी डिफिकल्ट मेरे लिए है, हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होगा। अभी इसी की
बात करता हूं इसके बाद। तो ये ब्लॉक है, इसको छोड़ देना है, ये बात है। हमने फोकस इन दो पर करना है जब तीन वाली अप्रोच लेके चले हैं, और ये डिफिकल्ट वाले हैं, ये वो वाले हैं जो के मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी रीजनिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, को थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, ठीक। तो ये वालों के लिए आप सेकंड राउंड रखते हो, ये कमाई कर सकते हो लेकिन इस पर ज्यादा होगी। ये श्योर वाला है, ये एफर्ट वाला है, ये छोड़ देने वाला है। दूसरी अप्रोच ये है इसमें के टू सेट वाली, अगर आपको ठीक लगे वो भी अपना सकते हो, लेकिन मैं सुजेस्ट जो कर रहा हूं वो ये वाली अप्रोच होगी। इसमें इजी एंड डिफिकल्ट को क्लब कर दिया है, ठीक। ये आप इकट्ठा मान के चलते हो, और इजी और डिफिकल्ट को टाइम देते देते लास्ट 10 मिनट बचाते हो सिर्फ वेरी डिफिकल्ट के लिए। ये टाइम बचाया डिफिकल्ट को अटेम्प्ट करने के लिए नहीं एंट्रेंस टेस्ट में, ये डिफिकल्ट के लिए जो गैस वर्क लगाना है, आगे चल के बताता हूं मैं। तो आप सारा ध्यान ये आप फिक्स कर लेते हो कि 130 मिनट में मैं लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच जाऊंगा, बेशक वो मेरी रेंज में है, ये वाले मेरी रेंज में है, थोड़ा एफर्ट करके, ये विदाउट एफर्ट रेंज में है। तो 130 आप कह रहे हो, 140 मिनट आपके हो जाएंगे, 10 मिनट बचेंगे, उसके लिए आपको गैस वर्क लगाना पड़ेगा, वो मैं आगे चल के बताता हूं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप थ्री राउंड फेज वाली अप्रोच अपनाइए, क्योंकि जो टॉपर हैं, जो जो अच्छे कैंडिडेट हैं, वो इस अप्रोच को फॉलो करते हैं और सभी के लिए सूटेबल भी है। ये अप्रोच है क्या, अच्छा ये बात हो गई है, ये उस जो बेस्ट अप्रोच की बात कर रहा हूं थ्री राउंड की, उसकी थोड़ी सी डिटेल में बात होगी। इसके तीन हमने डिवीजन की हुई है, तीन डिवीजन कैसे की हुई है, इजी, डिफिकल्ट एंड वेरी डिफिकल्ट। इजी किसको कहा है, जो 100% या 90% के करीब आपको श्योर है, डिफिकल्ट जो बीच में है, थोड़े एफर्ट लगेंगे, आप सॉल्व कर लोगे थोड़े एफर्ट। तो पहले इनको कलेक्ट कर लें, इनके जो नंबर सारे कलेक्ट कर लें, इसलिए लास्ट पर पहुंच जाना है। वेरी डिफिकल्ट के 0 से 20% की प्रोबेबिलिटी है, और ये भी श्योर नहीं है कि हो सके, ये थर्ड वाले हैं, ये हमारे दुश्मन है, एंट्रेंस टेस्ट में दुश्मन है, लेकिन मेरिट जब जॉब के लिए, पीछे भी बता के आया हूं, जॉब के लिए जब मेरिट पोजीशन आपने हासिल करनी है, क्योंकि जॉब टॉप वालों को मिलती है, यूजीसी नेट टॉप वालों का, जेएफ टॉप वालों का होता है क्लियर, तो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए, इस पर आपको एनर्जी पहले प्रिपरेशन में लगानी चाहिए। अच्छा ये हो गया राउंड वन, ये हो गया राउंड टू। इसके बेस पर ही मी इट मीन क्या, आपके मतलब क्या हुआ इसका, कि आपने राउंड वन में इजी क्वेश्चन पर अटैक करना है, राउंड टू में डिफिकल्ट क्वेश्चन पर अटैक करना है, और राउंड थ्री में क्या होगा, आपने वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसकी कैटेगरी जरूर है, लेकिन आपने वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना, अवॉइड करना है। थर्ड राउंड में आपने इसमें सिर्फ गैस वर्क लगाना है, आगे चल के बताता हूं। ओके अब ये देखना है कि राउंड फर्स्ट में जो आप श्योर हो क्वेश्चन इजी है क्वेश्चन, उनको कितना टाइम देना है। मैंने अपने मुताबिक लगभग 100 मिनट डिसाइड किए हैं कि 100 मिनट तक आप पूरा पेपर लास्ट तक एक बार रीड करके लास्ट तक पहुंच जाओ, और जो इजी है उनको राइट आंसर उसके कलेक्ट कर लो। तो आप अकॉर्डिंगली थोड़ा चेंज कर सकते हो, आप 90 भी कर सकते हो, आपको लगता है आप 85 भी कर सकते हो, आप 110 भी कर सकते हो, इसके 100 के करीब रहना है, इसके ज्यादा अगर आप आगे चले जाते हो तो आप लॉस में हो। अच्छा ये विद इन सेकेंड्स आपके सॉल्व हो गए, इसका क्राइटेरिया क्या है, ये नेक्स्ट रूल है, जो आपका रीड करते हुए एकदम रीड किया और आंसर मिल गया, 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड आंसर मिल गया, ये वो क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है ये कितने होंगे, आप मान लीजिए 150 में से हो सकता है जिसकी तैयारी नहीं है वो 30 ही हो, जिसकी तैयारी है हो सकता है उसके 60 हो जाए, है ना, जिसकी बहुत ज्यादा तैयारी है हो सकता है उसकी 80 हो जाए, ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर, आपकी नॉलेज पर, ठीक है, आपके एरिया पर। नेक्स्ट है डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट में क्या है कि आपके पास आधा घंटा 30 से 40 मिनट आप रखिए, ये क्वेश्चन क्योंकि डिमांड कर रहे हैं
किसकी, रीजनिंग की, इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने की, है ना, तो इसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा सा। अब रीजनिंग के लिए, इनके लिए आपने क्या किया था, जब ये क्वेश्चन किए थे आपने यहां पर, ये आपने पहले ही साथ साथ में लिख लिया था कि ये डी है मेरा, ये डी है मेरा, डी मीन आपका मिड वाला क्वेश्चन जिसको आपने बाद में टाइम देना है। अगर आप डी लगा रहे हो साथ में, डी की जगह आप टिक भी लगा सकते हो, कोई और साइन भी रख सकते हो, मैंने को उस ग्राफ के मुताबिक रखा है। अच्छा, डी लगाया है तो फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैंने यार कहां जाना है, सीधा आप डी देखोगे और उसकी टाइम नहीं वेस्ट होगा, और उसको अटेम्प्ट करने की, उस पर रीजनिंग लगाने की, थिंकिंग लगाने की कोशिश करोगे, और आपकी टाइम, इसको मैनेजमेंट कहते हैं कि आप ऐसे डी लगा के आइडेंटिफाई कर लोगे, और मैनेजमेंट में आप शीट पर अपने क्वेश्चन पेपर पर ऐसे मार्क कर सकते हो, ऐसी कोई भी डरने वाली बात नहीं है। तो ये हो गया डिफिकल्ट, अब इस पर टाइम लगा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप लास्ट तक पहुंच रहे हैं, आपके पास 10 मिनट बचे हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन को छोड़ देना होगा वहां पर, आपने कोशिश करनी है। फिर राउंड क्यों है ये सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है, राउंड सेकंड इसलिए है क्योंकि इस राउंड में आपने फिर दूसरी बार जहां पर क्या क्या था, डी डी लिखा था, मान लीजिए ये डी 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 वाले, और डी डी वालों को फिर लास्ट तक पहुंचना है, लास्ट डी तक पहुंचना है आपने। अगर कोई डी वाला क्वेश्चन आपको फिर रोकता है, इसने रोक लिया, इसने रोक लिया, इसने, उसको छोड़ देना, उसको छोड़ देना है, यही डिसीजन लेना कि मैंने इसको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। रिश्तों में भी ऐसा ही होता है ना, प्यार में भी ऐसा ही होता है ना यार, मैंने छोड़ना है या अपनाना है, ऐसे ही क्वेश्चन को छोड़ना है या अपनाना है। एक बात याद रखना, टाइमली किसी नेगेटिव चीज को, जहां जो आपकी जिंदगी के लिए हानिकारक थी, जहां जिसका आपकी जिंदगी में कोई रोल नहीं था, जहां जो आपकी जिंदगी में इमोशनल या स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस ला रही है, उसको छोड़ देना मच मच विजडम है। हाई क्वालिटी की लाइफ अगर जियोगे, लेकिन छोड़ना ज्यादा जरूरी है। एक बड़ी अच्छी कहानी है वैसे। तो ये हो गया कि सेकेंड राउंड में भी आपने सभी डी को पार करके जाना है। अगर कोई डी रोकती है तो आप उसको स्किप करके नेक्स्ट नेक्स्ट वाली डी तक पहुंचना है। दैट इज वाई इसे कहा गया है सेकेंड राउंड। तो ये टाइम आप एडजस्ट कीजिए, अगर यहाँ 100 लगाए हैं तो यहाँ 40 लगा लीजिए, अगर यहाँ 90 है तो यहाँ 50 कर लीजिए, अगर यहाँ 110 है तो आप यहाँ 30 कर लीजिए, ये अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हो। ये अभी जान लेना जरूरी है कौन से डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट रेंज में आ रहे हैं क्वेश्चन। हाँ, ये दो तरह से मैं अभी बताता हूं। जो थर्ड राउंड होगा, पहले वो देख लेंगे डिफिकल्ट आप कौन से रहे हैं। डिफिकल्टी दो तरह से है, आपकी सब्जेक्ट बैकग्राउंड क्या है। नंबर एक, अगर आप लैंग्वेज के, फॉर एग्जांपल आपकी एमए हिंदी है, जहां एमए हिंदी पर आपकी मास्टरी है, जहां आपने ग्रेजुएशन में इलेक्टिव हिंदी पढ़ी है, आपने इलेक्टिव इंग्लिश पढ़ी है, जहां एमए इंग्लिश किया है, जहां एमए पंजाबी किया है, नेचुरली है कि जिसने एमए किया है या इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा है, उसके लिए अब इंग्लिश का इनके लिए पेपर आसान होगा, ये इनका इजी एरिया होगा। इट मींस इनको वो कभी छोड़ेंगे नहीं जिसमें वो सबसे इजीनेस है। दूसरा के फॉर एग्जांपल दूसरा एरिया किसी का मैथ्स है, साइंस का है, एमएससी मैथ्स है, जहां साइंस है, जहां ग्रेजुएशन में आपने साइंस पढ़ी हुई है, मैथ्स पढ़ा हुआ है, जहां लॉजिक पर आपकी ज्यादा कमांड है, तो इनके लिए ये इजी होगा। अब जिनकी, जो हिंदी वाले हैं जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा, इनके लिए डिफिकल्ट एरिया नेचुरली है मेंटल एबिलिटी होगा, और मैथ्स वालों के लिए प्रोबेबिलिटी है कि लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, इंग्लिश या पंजाबी, वो डिफिकल्ट एरिया होगा। सो ये हर शख्स के लिए डिफरेंट है। अच्छा, पेपर वाइज डिफिकल्टी लेवल भी है। इसका क्या मतलब हुआ कि पेपर वाइज डिफिकल्टी लेवल है। नंबर एक, अवेयरनेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये नॉलेज बेस्ड होते हैं, मेमोरी बेस्ड होते हैं, इतना बात याद रखेंगे। मीन ये टाइम बहुत कम कंज्यूम करते हैं, ये क्यों, मोस्टली ये क्वेश्चन होते हैं या तो यस आपने एक मार्क, या तो आपका करेक्ट आपको पता है, ओके, और या रॉन्ग
नहीं पता, जल्दी पता चल जाता ये इसके बारे में, ये बुक का मैंने तो अभी पढ़ा ही नहीं। उसके बाद गैस वर्क लगता है, गैस वर्क के लिए अलग वीडियो है, वो देखना होगा। टीचिंग पोटेंशियल के लिए ये नॉलेज प्लस थोड़ी सी रीजनिंग है, थोड़ी सी रीजनिंग। इट मीन्स ये इतना टाइम कंज्यूम करते हैं तो ये इतना टाइम कंज्यूम करेंगे टीचिंग पोटेंशियल वाले। जनरल मेंटल एबिलिटी, अगर आप मैथ वाले हो तो ये आपका कम टाइम कंज्यूम करेंगे, इतना टाइम, ये मैथ वालों के लिए इतना हो गया, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज के नॉन मैथ्स या साइंस वाले हो तो आपके लिए इतना टाइम लगेंगे। इट मीन्स जिनकी बैकग्राउंड रीजनिंग वाली नहीं सब्जेक्ट की है उनके लिए मेंटेबिलिटी का पेपर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। दैट इज वाई जहां तो उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ना अपना एरिया प्रेफर करके जाइए, और जहां फिर अपने पहले से इरादा कर लीजिए कि ये वाले मैंने थोड़ा सा ट्राई करके छोड़ देने हैं। बाकी लैंग्वेज की है, लैंग्वेज की मास्टरी जिस पर है उसके लिए इजी है, दूसरे के लिए डिफिकल्ट है। लेकिन लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो चौथा पॉइंट है यहाँ पर, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑलवेज टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर टाइम कंज्यूमिंग है तो आप सीधा क्वेश्चन पर जाएंगे, क्वेश्चन कई बार नॉलेज बेस्ड होते हैं, बिना पैरे के ही आंसर पड़े होते हैं, आप वहां से सॉल्व कीजिए और अपना टाइम बचाइए। अगर आपके पास टाइम है तो आप अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है, हम चल रहे थे तो ये डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट हो गया। तो आप तो अपने मुताबिक जो वेरी डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको आपने 100% छोड़ देना है। ये देखिए, इसको 100% अटेम्प्ट करना है, ये टिक लगा दिया, इनको कोशिश करके प्लस एफर्ट्स करके, है ना, इनको पक्का लीव कर देना है, डिलीट, ये नहीं करने मैंने। तो यहां पर करना क्या है फिर भी, वो क्या करना है आपने, ये क्या कर रहे हैं, आजा भैया, आजा 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 आजा, आ गए सारे, आ गए आ गए। ये रूल्स बनाए हैं, यहां पर आपको रिवीजन हो जाएगी आपने जो जो अभी करना है। थ्री राउंड अप्रोच में फर्स्ट इज आपने मार्क डी करना है, मिडल वाला डी आइडेंटिफाई करने के लिए जिस पर आप एनर्जी लगा सकते हो। आपने फिल करनी है ओएमआर शीट साइड बाय साइड, ये नहीं है कि मैंने टिक लगा ली है आंसर शीट पर पहले, बाद में इनको ओएमआर शीट पर जाके फिल करूंगा, जनरली इसमें गलती या डिले हो जाती है। आप साइड बाय साइड अपना कलेक्ट करते रहिए। अगर किसी को ऑलरेडी प्रैक्टिस है वैसी तो आप करिए, मेरे कोई भी रूल रिजिड नहीं है। तीसरा, टाइम आपने लगातार एक ड्राइवर से मैंने पूछा कि यार कोई नुक्ता बताओ ड्राइविंग का, कहते हर 20 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद एक इंटरवल होता है, उसके बाद आपने ये वाला मिरर देखते रहना है। ऐसे ही यहां पर है कि आप जो पेपर कर रहे हो 10 मिनट बाद 20 मिनट लगभग बाद वॉच देखते रहो कि क्या आपकी स्पीड ठीक चल रही है। दिस इज सेल्फ एवेल्युएशन अबाउट द स्पीड, मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी है। अच्छा, रिमेंबर योर वीकनेस एरिया, डोंट स्टॉप। हर बंदे को, मैं मैथ का नहीं हूं, मेरी मेंटल एबिलिटी मुझे वीक लगती है और मैंने प्रैक्टिस नहीं की, इट मींस उस पर मुझे टेंशन नहीं लेनी, उसको एक बार ट्राई करके जल्दी छोड़ देना है। हर किसी की भी अपनी वीकनेसेस को आपने याद रखना है। जर्नी वीकनेसेस क्या है कि हम लास्ट पर नहीं पहुंचते, मैंने वीकनेस एक सर्वे किया था उसमें आइडेंटिफाई किया है। अच्छा, एनर्जी ऑन डिफिकल्ट, हम जो वेरी डिफिकल्ट होते हैं, जो डिफिकल्ट उस पर ज्यादा एनर्जी लगा लेते हैं, इजी वाले खो जाते हैं। लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, मैंने बताया यहीं पर कि टाइम साथ साथ में देखते रहो। लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, और लास्ट है फटीग। सेल्फ कंट्रोल का मतलब कि आप अपने पर ही कंट्रोल नहीं करते, आप डिस्टर्ब भी हो सकते हो, और जिस पर एनर्जी नहीं लगानी चाहिए उस पर लगा देते हो, जिस पर लगानी चाहिए उस पर नहीं लगाते, दिस इज लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। आप थक जाते हो, इसके लिए साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज की वीडियो है, वो आप अलग से देख सकते हो। ओके, जो इंपॉर्टेंट, थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है कि आप रीरीड, हाईलाइट और अंडरलाइनिंग को जरूर यूज करना है आपने। फॉर एग्जांपल, मैं इसको रीड कर रहा हूं और मैं पेन के साथ अपनी क्वेश्चन पेपर पर, मैं जितने वीडियो देखोगे मैं किसी ना किसी को सर्कल करता हूं, जब मैं स्टेम पढ़ता हूं, स्टेम मीन जो क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन पढ़ता हूं, उसमें से खास फ्रेज को अंडरलाइन कर देता हूं, ये माइंड को इजी समझ आती है। ये यहां बताया गया, ऐसी और कई स्ट्रेटेजीज हैं जो आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज करके, लिंक इसका इस वीडियो के नीचे दिया गया होगा, वहां से आप क्लिक करके देख सकते।
सकते हो, तो वो सारी स्ट्रेटजीज है वो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपने हाईलाइट साथ साथ में जरूर करना है, क्वेश्चन जल्दी समझ आ जाता है उससे, ठीक। डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो इजी होने की संभावना बढ़ जाती है। ये हो गए फर्स्ट राउंड के। सेकंड राउंड जो डिफिकल्ट है, अब आपके 30 से 40 या 50 मिनट बचे हैं, 30 से 40, ठीक है। तो आपने फिल फोकस ऑन ओनली डी, ये रूल है, फिल ओएमआर शीट साइड बाय साइड, ये भी रहेगा। टाइम वॉच फ्रिक्वेंटली, ये यहां भी था यहां भी है, ओके। रिमेंबर योर वीकनेस डॉट स्पोर्ट, ये स्टॉप, ये वाली सारी चल रही है यहां पर। यहां पर सिर्फ मार्क डी करना था, यहां पर डी पर फोकस कर रहे हो, जो यहां आइडेंटिफाई किया था अब उसका प्रयोग यहां कर रहे हो, बाकी तीन रूल सेम है, ठीक। हाँ, यहां पर डिफिकल्ट क्वेश्चन को समझने के लिए री रीड, हाईलाइट, अंडरलाइनिंग, ये जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज है, जो अलग से वीडियो होगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए लॉजिकल स्ट्रेटेजीज का एक वीडियो है, यहां पर साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज का, एमसीक्यू को सॉल्व करने की साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज फर्स्ट राउंड में काम आएंगी, और लॉजिकल स्ट्रेटेजीज जो है यहां पर काम आएंगी, कि ऑप्शन चार है या इनमें से कौन सा डिलीट करूं, कैसे डिलीट करूं, राइट आंसर तक प्रोबेबली कैसे पहुंचूं, इस पर काफी रूल्स हैं जो रिसर्च बेस्ड है, तो इसके लिए वो वीडियो आप देख सकते हो, नीचे लिंक दिया गया होगा। और राउंड लास्ट में क्या करना है याद फिर करवाता हूं। राउंड का मतलब है फर एक से 150 क्वेश्चन तक पहुंचना, डी वाले सिर्फ एक से 150 क्वेश्चन तक पहुंचना, अब सी वाले जो वेरी डिफिकल्ट है, जो वो तो आपने एक तो आपने पूरे कर लिए, दूसरे डी वाले जितने सॉल्व कर सकते थे कर लिए, अब क्या आपके पास बचा है, इसका रूल क्या है कि फिल द स्किप्ड ओएमआर शीट एज नो नेगेटिव मार्किंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए टोटल आपने इसमें 40 क्वेश्चन किए आपको राइट लगते हैं, और इसमें आपने 30 क्वेश्चन किए आपने राइट किए हैं, और यहां पर पेंडिंग जो क्वेश्चन बचे हैं 80 क्वेश्चन है ना बचे पे हैं, और अगर आपने ज्यादा कर लिए हैं तो कोई बात नहीं, मान लीजिए यहां पर 50 बचे हैं, 60 बचे हैं, 40 बचे, उन क्वेश्चन में से आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इजीली 20% स्कोर ऐसे ही ले जा सकते हो। ये कौन से क्वेश्चन है याद रखो जो आपको आते नहीं है, और स्कोर कितने ले सकते हो 20%, कैसे ले सकते हो, सी ए वीडियो रैंडम गैस। ये था साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज, और ये है लॉजिकल स्ट्रेटजीज, और ये है रैंडम गैस स्ट्रेटजीज, जब आपको आंसर नहीं पता तो कैसे गैस लगाना है, उसके लिए लिख दिया होगा, नीचे वीडियो देख सकते हो आप। यूज होल टाइम, ये नहीं है कि यार 15 मिनट पढ़े हैं कोई बात नहीं, उससे रिवाइज कर लीजिए, कुछ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन रखिए कि लास्ट दो तीन में आपने सारे टिक कर लिए, मान लीजिए जो पेंडिंग थे आपने 150 में से आपने 148 क्वेश्चन टिक कर लिए, दो क्वेश्चन है, दो मिनट पड़े हैं, उन पर एनर्जी लगाइए, वेस्ट क्यों करते हैं, 10 मिनट पड़े हैं उस पर एनर्जी लगाइए, हो सकता है वो सॉल्व हो जाए। अच्छा, अगर वो सॉल्व हो जाते हैं उनको टिक कीजिए, तो होल टाइम यूज करना है। कई स्टूडेंट क्या कहते हैं कि मेरा पेपर हो गया जी, मैं 20 मिनट पहले उठ के चला, ऐसे मत कीजिए, आप उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, लर्न कीजिए, ओके। तुक्का लगाने का नॉर्मल तरीका, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखने तो आप बी और सी को प्रेफर करें, ये जनरल है, स्पेसिफिक उस वीडियो में बताऊंगा क्योंकि रिसर्च बेस्ड है। पिछले क्वेश्चन पेपर के भी मैंने निकाले हैं बी सी डी कौन सा सबसे ज्यादा आया है, काफी मेहनत की है लेकिन टाइम नहीं बचा, सॉरी। तो ये था हमारा कि हमने लास्ट पेपर तक यहां तक पहुंचना है, उसकी स्ट्रेटजी बेस्ट इज 3 राउंड अप्रोच, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा इसको एकदम अप्लाई नहीं होगा, आप अपने सामने विजुलाइज कीजिए बार बार के पहले यार मैंने 100 मिनट तक लास्ट तक पहुंचना है, लास्ट तक पहुंचना है, लास्ट तक पहुंचना, अपने आप को सुजेशन दो, दो बार लिख लो, मैंने पहले 100 मिनट में लास्ट तक पहुंचना है, नेक्स्ट 40 मिनट में मैंने जो डिफिकल्ट है उन पर टाइम लगाना है, और उसके बाद मैंने सभी जो गेस वर्क है वो लगाना है, और लास्ट 1-2 मिनट है वो 1-2 डिफिकल्ट क्वेश्चन बचा के उसको सॉल्व करना, ये विजुअलाइजेशन से आपका पॉसिबल है। अब मेन पॉइंट को थोड़ा समराइज कर लें कि एग्जाम में हमने किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, हर हालत में आपने 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
दूसरी बात, रीच एट द एंड बिफोर टाइम, मीन आप 150 मिनट है आपके पास, आपने हर हालत में 148-149 मिनट तक आपने लगभग लास्ट को सब कुछ कर लेना है, और लास्ट मिनट आप कंज्यूम कर सकते हो किसी क्वेश्चन को एक्सरसाइज लगा रहे हो। इट मींस उसकी हाँ दो अप्रोचेस जो डिस्कस की है, आपको जो सूटेबल लगती है आपने वो अडॉप्ट करनी है। मैंने अपनी बेस्ट अप्रोच बता दी है कि थ्री रूम वाली बेस्ट अप्रोच है। अच्छा, डिफरेंट अप्रोच बात हो गई है। अच्छा, यूनिट वाइज पेपर वाइज आपने फर्स्ट क्वेश्चन से 150वें क्वेश्चन तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि बीएड एंट्रेंस टेस्ट में यूनिट्स बने हुए हैं या पार्ट्स बने हुए हैं। पार्ट वन फॉर एग्जांपल जनरल अवेयरनेस का है, मेंटल एबिलिटी का है, तीसरा आपका टीचिंग पोटेंशियल का है, फिर लैंग्वेज वन है, लैंग्वेज टू है, ठीक, ये हो गई। अच्छा, नाम नहीं लिखते तो कई बार क्या करते हैं कैंडिडेट, ये कैंडिडेट है, ये क्या सोचते हैं कि यार मैं सबसे पहले ये जो मेंटल एबिलिटी का है ये पहले करूंगा, और मुझे जो है लैंग्वेज जो मेरी वन है उसके बाद लैंग्वेज टू है, मुझे लैंग्वेज ये वाली पहले रैंक पर ये की सेकंड रैंक पर सेकंड इसको अटेम्प्ट किया, इनको छोड़ दिया। तीसरे पर वो कह रहे हैं कि मुझे टीचिंग पोटेंशियल करने हैं, फिर इधर आ गए तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर फिर आ गए यहां पर जनरल अवेयरनेस पर, चौथा लास्ट में आ गए। मतलब के कोई भी ऑर्डर में नहीं कर रहे, यूनिट्स को उठा रहे हैं। यहां पर आपका टाइम और मेंटल एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है। सजेशन मेरी तरफ से क्या है कि आप जैसे भी आपका सेट वन है, सेट टू है, एबीसीडी सेट होते हैं ना आपका है, और जो भी फर्स्ट आपका यूनिट आ गया है, फर्स्ट सेक्शन आ गया है जनरल अवेयरनेस का है फॉर एग्जांपल, तो आप उसके फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कीजिए और उसके 30 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, 31st क्वेश्चन अगला यूनिट जो भी आया है उसको। हाँ, अपने माइंड में ये रखिए कि ये मेरे लिए डिफिकल्ट पार्ट है जो पीछे बता के आया हूं, और ये मेरे लिए इजी सेक्शन है, वहां पर आप अटैक ज्यादा कीजिए। लेकिन आप सीरीज जो ऑर्डर है, कंटिन्यूटी है, रेगुलरिटी है, वो 31 से आप यहां 60 आ गए, सॉरी 61 से आप 90 तक आ गए, 91 से ये कंटिन्यू 150 तक जाए, ना कि आप ऐसे स्किप करो। ये दूसरी जो पहली अप्रोच कंटिन्यूटी वाली अप्रोच है, इसको फॉलो करना है। यूनिट वाइज पेपर वाइज की डिवीजन में यहां पर नहीं पढ़ना है, आपकी एनर्जी बचेगी। कारण क्या है, और क्योंकि आपने थ्री राउंड लगाने हैं, आपने फर्स्ट से स्टार्ट होना है, फिर पहले राउंड में 150 तक जाना है, ये राउंड फर्स्ट हो गया, फिर आपने डी वाले क्वेश्चन करने हैं, टाइम एक्सरसाइज रीजनिंग लगानी है, सेकंड राउंड हो गया। थर्ड राउंड आपने जो बचे हुए हैं उन पर रैंडम गैस या कोई भी गैस टेक्निक अपना के उनको टिक करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट इज व्हाई ये थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। नेक्स्ट है इजी टू डिफिकल्ट। इजी टू डिफिकल्ट भी बात हो चुकी है कि आप पहले जो तीन डिवीजन की थी, पहले इजी वाले पहला राउंड की बात है, ये पहला राउंड है, इजी वाले आपने नंबर कलेक्ट कर लीजिए। स्किप पैराग्राफ अगर आपके लिए डिफिकल्ट, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, इंग्लिश का पैराग्राफ है, तो आप स्किप नहीं करोगे अगर आप कॉन्फिडेंट हो। अगर आपके लिए लगता है कि टाइम कम बच रहा है, तो पैरा जल्दी जनरली ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, स्ट्रेटेजी बदल लीजिए। अगर पैराग्राफ स्किप नहीं करना तो आप जो सीधा एक बार क्वेश्चंस को पढ़िए। लगता है कई बार पैरे की नॉलेज पहले से आपके दिमाग में है, पैरे की नॉलेज आपके दिमाग में है, वहां से नॉलेज के बेस पर आप आंसर दे दीजिए अगर टाइम कम है। नेक्स्ट है स्किप वेरी डिफिकल्ट, है ना, ये आपके दुश्मन है, क्यों, ये आपकी आपका टाइम और एनर्जी दोनों ही कंज्यूम ज्यादा करते हैं, आउटपुट नहीं देते, इतना टाइम लेंगे रिजल्ट जीरो देंगे। स्किप टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, कई बार कोई क्वेश्चन है वो टाइम इतना ले रहा है लेकिन आपको एक मार्क्स दे रहा है, ये रहा, कई बार दूसरा इतना टाइम ले रहा है वो भी एक दे रहा है, इट मीन्स जो ज्यादा टाइम लेके एक नंबर दे रहा है उसको स्किप कर दो, अभी
फर्स्ट राउंड में तो पक्का स्किप कर दो, सेकंड में उसको पकड़ सकते हो, सेकंड राउंड वाले ये क्वेश्चन हो सकते हैं। अच्छा, मार्क ओएमआर शीट साइड बाय साइड, ये पहले भी बताया है, साइड बाय साइड चलोगे तो सेफ है, अदरवाइज मिसमैचिंग हो सकती है। प्रेफर योर एरिया एक्सपर्टाइज, इंग्लिश के हो, मैथ्स के हो, रीजन को ज्यादा, सेक्शन को अच्छी तरह से, क्योंकि वो मार्क्स आप छोड़ने नहीं चाहिए, 30 में से मैक्सिमम जितने भी आप सोच सकते हैं। अवॉइड योर वीकेस्ट एरिया, मतलब वही बनता है, अगर आप मेंटल एबिलिटी वीक है, मैथ्स की बैकग्राउंड नहीं है, रीजनिंग की बैकग्राउंड नहीं है, एक्सरसाइज नहीं की, तैयारी कम है, तो आप उससे पंगा मत लीजिए, मतलब वही बनता है। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड वीडियो, इससे सेकंड वीडियो, साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेटेजीज है और लॉजिकल स्ट्रेटेजीज है दूसरे सेक्शन से डील करेंगी, और जो रैंडम गैस लगाने हैं, ये तीनों वीडियो के लिंक नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हो। इसके अलावा चेकलिस्ट, क्या क्या आपको तैयारी करनी है एग्जाम पर जाने से पहले, वो छोटा सा वीडियो डाल दूंगा। कोई और सजेशन है आप दे सकते हो। लर्न टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।